एक फोटो देख बॉबी देओल को ढूंढने निकले थे संदीप रेड्डी एक्टर बोले मेरी बेकारी के दिन काम आ गए फिल्म एनिमल के तीन मिनट के जबरदस्त ट्रेलर ने फैंस के बीच तहलका मचा दिया है और अब इस फिल्म को देखने का एक्साइटमेंट और भी बढ़ गया है टीजर हो या ट्रेलर दोनों में ही बॉबी देओल की कुछ झलकियां ही दिखी हैं लेकिन लॉर्ड बॉबी अपनी इन झलकियों से ही छा गए हैं लेकिन बॉबी देओल को यह फिल्म कैसे मिली इसकी कहानी उन्होंने खुद बताई है रणबीर कपूर के जिस एनिमल अवतार का दर्शकों बेसब्री से इंतज़ार था आख़िरकार उसकी एक झलक दर्शकों को देखने को मिल ही गई है रणबीर कपूर रश्मिका मंदाना और बॉबी देओल स्टार फिल्म एनिमन का ट्रेलर रिलीज हो गया है ये फिल्म एक दिसंबर को रिलीज हो रही है और लगभग एक हफ्ता पहले फिल्म का ट्रेलर दर्शकों के सामने लाया गया है टीजे की तरह ही ट्रेलर में भी बॉबी कुछ बोलते हुए नहीं दिख रहे लेकिन उनके लुक्स और खासकर रणबीर के साथ हुए फाइटिंग सीन की झलक ने हंगामा मचा दिया है मेकर्स ने गुरुवार को दिल्ली में इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया इस मौके पर जब बॉबी से पूछा गया कि उन्हें आखिर ये फिल्म कैसे मिली तो उन्होंने बताया मैं सबसे पहले संदीप को थैंक यू बोलना चाहता हूँ क्योंकि जो मेरे करियर की हालत थी उसमें मुझे ऐसे रोल मिलेगा मैंने सोचा भी नहीं था तो एक दिन मुझे संदीप का मैसेज आया कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ मुझे लगा कि कोई मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहा है मैंने पता किया कि यही असली है तो मैंने आगे से फ़ोन लगाया कि चलो मिलते हैं बॉबी देओल ने आगे बताया जब हम मिले तो इन्होंने मुझे मेरी एक फ़ोटो दिखाई जब मैं कुछ काम नहीं कर रहा था तब मैं सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग खेलता था तब की मेरी एक फोटो थी जिसमें मैं कहीं दूर देख रहा हूं तब संदीप ने मुझे कहा कि मैं आपको इसलिए लेना चाहता हूं कि इस तस्वीर में आपका कोई एक्सप्रेशन है वो मुझे चाहिए तब मुझे लगा कि चलो बेकारी के दिन काम आ गए तो ऐसे मुझे फिल्म मिली बॉबी देओल एक समय तक गुप्त सोल्जर और हमराज जैसी सुपरहिट फिल्मों में नज़र आते रहे लेकिन धीरे धीरे उन्हें फ़िल्मों में काम मिलना बंद हो गया बॉबी ने एक इंटरव्यू में बताया कि कैसे धीरे धीरे उनके बारे में ये इमेज बनने लगी कि वो एरोगेंट हैं और उन्हें काम की ज़रूरत नहीं है जिसके बाद उन्हें काम मिलना बंद होने लगा बता दें कि ये साल देओल परिवार के लिए ज़बरदस्त रहा है जहां सनी देओल की गदर दो ने रिलीज के साथ ही ज़बरदस्त रिकॉर्ड बनाए हैं वहीं धर्मेंद्र रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में अपने किरदार से छा गए हैं अब साल के आखिर में आ रही बॉबी देओल की फ़िल्म एनिमल से दर्शकों को खासी उम्मीद है